हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि। और आज का व्लॉग जो है वो बर्थडे व्लॉग होने वाला है। ये मैंने एक रात पहले का थोड़ा सा क्लिप इसमें लिया है, बिकॉज़ मैं और भी चीज़ें आपको दिखाती हूँ, अभी थोड़ी देर में बताऊँगी। तो ये जो सामान आप देख रहे हो, ये सारा कुछ जो है ना, वो जो रिटर्न गिफ्ट हम देने वाले हैं उसका पूरा सामान है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एक गिफ्ट हैम्पर जैसा बना करके देंगे, पैकेज जैसा बना करके देंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स रखेंगे। तो इसके पीछे मैंने बहुत थॉट दिया था और तब जाके फिर मैंने ये गिफ्ट डिसाइड किया था। वैसे बहुत इजी होता है रिटर्न गिफ्ट, कुछ भी आप उठा के बच्चों के हिसाब से दे सकते हो, बट मैंने थोड़ा सा थॉट वाइज चूज़ किया था। काफ़ी टाइम मैंने रिटर्न गिफ्ट डिसाइड करने में लगाया था। तो ये एक रात पहले का ये एक्चुअली बैग्स जो है ना, ये अमेज़ॉन से मैंने मंगाए थे। तो ये मुझे जस्ट एक दिन पहले, मतलब 20 को बर्थडे था, तो 19 को दिन में, मतलब 12 बजे के करीब कुछ रिसीव हुए थे। मैंने दिखाया भी था आपको। तो हम लोग अभी इवनिंग में तो फोटोशूट वगैरह करके, डिनर वगैरह करके, और ये रात में 10:30 बजे करीब हम लोग बैठ गए कि चलो हमें करीब 40 पैकेजेस जो थे वो बनाने थे, क्योंकि ये जो हैम्पर है ना, ये फैमिली को मैं देने वाली थी। तो 40-50 कुछ पैकेजेस जो थे वो हम लोगों ने प्लान किए थे बनाने के, जिसमें मतलब जो हर फैमिली को एक एक बैग देंगे। तो इसके अंदर मैंने जो मेन गिफ्ट था वो था ये कप का सेट, मतलब पेयर ऑफ कप्स, दो कप्स एक पैकेट में मैंने डाले थे। तो ये कुछ 8 वैरायटी ऑफ कप्स थे, डिफरेंट डिफरेंट। तो मैंने ऐसे कॉम्बो बना बना करके सेम के दो मैंने ऐसे करके दे दिए थे कि सेम, जैसे अलग अलग टाइप के ना, तो किसी को कोई, किसी को कोई, दो दो कप का एक सेट करके मैंने ऐसे दिया था। कप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैंने अपने लिए भी लिए हैं, तो मैं कभी आपको व्लॉग में जब स्टार्ट करूँगी तो बताऊँगी, आप देखना रेगुलर व्लॉग। लेकिन बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कप थे, मतलब मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो इसके पीछे क्या थॉट है ना, वो मैं किसी और वीडियो में, अभी एक और वीडियो भी शेयर करूँगी जिसमें आपको बताऊँगी सारी प्लानिंग कैसे मैंने की, वो सब कुछ आपको बताऊँगी। बट फिलहाल यहाँ पर सारे जो गिफ्ट हैं पापा एक एक करके डाल रहे थे, और उसमें हमने और भी चिप्स रखे थे, फ्रूटी रखी थी, जेलीज रखी थी, बिस्किट्स रखे थे। तो ये सब बच्चों के लिए भी हो गया था, बड़ों के लिए भी हो गया था। इस हिसाब से हमने एक गिफ्ट हैम्पर जो है वो तैयार किया था। तो एक तरफ हम तीनों मिलकर पैकिंग कर रहे थे, और एक तरफ मम्मी दोनों बच्चों को संभाल रही थी, जो कि बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, स्पेशली यश को पकड़ना। तो सारे पैकेजेस को हमने स्टेपलर करके एक किनारे पर इस तरीके से सजा दिया था, और ये सारे काम करने में हमको करीब 12:45 बज गए थे। Few moments later. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Yeshu. Happy birthday to you. तो ये 12 बजे कुछ हम लोगों ने इस तरीके से सेलिब्रेशन किया था, क्योंकि सभी लोग जगे ही हुए थे। बच्चे तो तभी सोते हैं जब बड़े सोते हैं। तो हमें ये पूरा आरएफ के टाइम का भी दिन याद आ गया। आरएफ के टाइम पर हम इस तरीके का केक खरीद करके लाए थे, और मेरी बहन तब आई थी, तब मम्मी पापा नहीं आए थे, वो मम्मी पापा बाद में आए थे मतलब। और हम लोगों ने इस तरीके से सेलिब्रेट किया था। तो इस बार उसने खुद केक बना करके भेजा था, बहुत टेस्टी केक था। और ये जो केक है ना, ये डेट्स वाला केक है, मतलब इसमें हम लोगों के लिए उसने थोड़ी बहुत शक्कर डाल दी है, बट उसने जब अपने लिए बनाया था, जिसको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा था केक, वो केक उसने बिना शुगर के बनाया था, डेट्स वगैरह डाल करके। तो ये बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मतलब बच्चों को पसंद आया, हमें पसंद आया, और मेरी एक फ्रेंड है उसको भी इतना ज़्यादा पसंद आया कि उसने मुझे बोला प्लीज़ मुझे 2-3 पीसेस एटलीस्ट दे के जाना। तो फिर बाद में मैं उसको दे करके भी आई थी। तो अब मुझे अपनी बहन से इसकी रेसिपी पूछनी पड़ेगी, या कभी वो आई या मैं घर गई तो मैं उससे बेकिंग करवाऊंगी। हालांकि वो बहुत रेगुलरली बेकिंग नहीं करती है, फर्स्ट टाइम उसने केक बनाया था, बट बहुत ज़्यादा डिलीशियस केक था। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यश यहाँ पे सो रहा है, लाइट जा चुकी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो 8:30 पे लाइट जा चुकी है। आई डोंट नो, आगे हमने प्लान तो कुछ बहुत कुछ किया था, बट अभी मुझे लग नहीं रहा कि एग्जीक्यूट हो पाए, क्योंकि लाइट नहीं होने की वजह से गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा, धूप भी बहुत ज़्यादा हो रखी है, बहुत गर्मी है। तो ब्रेकफास्ट हम बाहर से ले आए हैं, तो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, देन फिर आगे देखते हैं कि क्या करने वाले हैं, कैसे प्लान होगा। अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं तो मैंने उठाया नहीं, क्योंकि उठने के बाद ये लोग चिड़चिड़ ही मचाने वाले हैं। तो आरव भी सो रहा है, यश भी सो रहा है, ये ऑफिस चले गए हैं, मम्मी पापा और मैं हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। और नाश्ते में वही मैंने खमर, ढोकला, ये सब जो है वो मंगा लिया है, तो वही खाएंगे हम लोग। बाद में मिलती हूँ मैं आपसे। यशु, यशु का हैप्पी बर्थडे है क्या? यशु को कहीं जाना है? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है यशु को? हाय करो, हैप्पी बर्थडे कर दो, हैप्पी बर्थडे कर दो। आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है क्या?
Happy birthday to you. आ रही हूँ बेटा. यशु कहाँ गए? यशु, happy birthday यशु का. आजा. हेलो कर लो, हेलो कर लो. निन्ना करके उठे अभी, लाइट नहीं है, मजा रहे. बाय. हैप्पी बर्थडे भैया. छोटे भैया के बर्थडे में बड़े भैया को भी गिफ्ट है ना. पता है मुझे, तुम गिफ्ट दो पहले, फालतू की बातें मत करो. यशु क्या हो रहा है? यशु कह रहा है मेरा बर्थडे, मुझे तो गिफ्ट दे नहीं रहे हो, ये क्या बात है? मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो. ये भी ना बात. भैया क्या क्या है ये? अच्छा, आता है बजाने? आता है? सीखा है तुमने? क्लासेस ली है? हाँ. गिफ्ट लेने के लिए देखे ये बंदा कैसे तैयार वैयार हो. क्या है दिखाइए शकल. और इसको देखिए, हाय. इसको आ रही है नींद, बट ये सो नहीं सकता है. वाह, नाइस. चलो इसको असेंबल करके फिर दिखाती हूँ मैं. तो ये ड्रम सेट हो चुका है, इसमें चेयर भी, स्टूल भी मिला ना बैठने के लिए? दिखा ना. हाँ दिखा दो चेयर. ये वाली स्टूल भी आई है इसके साथ में, ऐसी. और इसमें तीन ड्रम है, एक स्टील वाली प्लेट है. और अब हमारे ड्रम मास्टर आ चुके हैं, चलिए बजाइए, बैठिए. तो ठीक है, नहीं बैठो. बजाने के लिए हिसाब से दिया है ना वो, ताकि आप बजा पाओ प्रॉपरली. हाँ, स्टूल पे बैठ के बजाओगे तो बजेगा नहीं. चलो हाँ, डांस करो, डांस करो. डांस करो यशु. माय नेम इज चिक्की. Happy birthday to you. इसको भी बजाना, इसको एक, इसको भी दे दो, इसका भी बर्थडे ना. लो बजा, बजाओ यशु. गिर जाएगा ड्रम भाई साहब, उनका ड्रम स्टिक घूम गया है. अरे उनका मजा आ रहा है यशु को. दे दो उसको, तो वो उससे बजाएगा ना बेटा. दे दो तो. यहाँ पे बन रहा है रायता. ये आरफ का दही अलग से निकाल दिया, इसमें गुड़ मिक्स कर दिए क्योंकि वो रायता नहीं खाता है. रायता हो गया. इधर पे सब्जी बन गई है, पनीर, कैप्सिकम, टमाटर, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से. ये हलवा रेडी हो गया है. यहाँ पे तेल की गैस ऑन है, पूड़ियाँ बनने जा रही है. तो वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट ये इतना खाना फिर भी बन गया. हमने और भी बहुत कुछ प्लान किया था, बट क्योंकि गर्मी है, लाइट नहीं है, तो फिर हमने शॉर्ट में कर लिया. तो ये है यश के लिए दही मैंने निकाली. इतना पूरा तो नहीं खाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए प्लेन दही निकाल लिया है, क्योंकि वो प्लेन दही में पूड़ी वगैरह डाल के खाता है, उसको अच्छा लगता है. तो ये ठंडा ठंडा थोड़ा सा मैं उसको दूंगी. तो ये हमारा आज का बर्थडे लंच वगैरह सब तैयारियाँ चल रही है. देखो कितना पसीना हो गया है, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है हम लोगों को. तैयारी चल रही है, मज़ा आ रहा है, लेकिन ये है कि कोई टीवी का शोर और कोई फालतू की वो नहीं. आरव और क्या नाम है नचिकेत, यश दोनों अपने नाना को के साथ एंगेज हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं.
तो बर्थडे के दिन में जो डे इवेंट था ना, उसमें मैंने पहले सोचा था कि कथा कराऊंगी, पूजा कराऊंगी, मुझे कथा करानी है क्योंकि, लेकिन फिर इनका ऑफिस था तो, और फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक, ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि मतलब चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में अच्छे से ना हो पाए, तो हमने सोचा कि पूजा का काम हड़बड़ी में हो वो मज़ा नहीं आता है, और मेरे हस्बैंड को पूजा का ऐसा कि बहुत तसल्ली से और बहुत मन से पूजा करना पसंद है, सिर्फ करने के लिए करना है वो उनको अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए फिर आइडिया हमने ड्रॉप कर दिया था। हमने सोचा कि बाद में थोड़ा फ्री होके फिर कराएंगे, तो वो आइडिया ड्रॉप हो गया। उसके बाद मैंने दूसरा आइडिया सोचा था कि कुछ कुछ करूँगी, बट लाइट ही नहीं थी तो बिल्कुल भी वो पॉसिबल नहीं हो पाया, तो मम्मी ने कहा अच्छा खाना बनाकर भगवान जी को भोग लगा के और हम लोग खाने को रिलिश करते हैं। तो फिर ये बहुत टेस्टी सी पनीर की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, पूड़ी है, और ये मम्मी बालूशाही वगैरह लेकर के आई थी। यश को एक बार पापा ने भिजवाई थी बालूशाही, अब बहुत पसंद आई थी, तो इस बार उसने बोला था कि नानू आप वो वाली मिठाई देना, तो ये बालूशाही दो तरीके के लेकर के आए थे, थोड़ा सा हलवा बनाया था और रायता बनाया था। तो ये सुंदर सी थाली थी हमारी बर्थडे की थाली। तो मैं अपने बाल जो है वो कर्ल करा के आ गई हूँ, मेकअप वगैरह तो मैंने प्लान नहीं किया था, बट मैंने उनको बोला कि थोड़ा सा मेरे को आईलाइनर लगा दो क्योंकि आईलाइनर जल्दी जल्दी में मुझसे अच्छे से नहीं लगेगा, तो उन्होंने थोड़ा सा मेरे मल्टी कलर ड्रेस के हिसाब से थोड़ा सा आई शेडो भी लगा दिया और आईलाइनर भी लगा दिया। बाकी कोई मेकअप ऐसे नहीं किया और ना ही मैं करने वाली हूँ क्योंकि टाइम भी नहीं है, और मेरे को ना अभी मतलब कंफर्टेबल लगता ही नहीं इतना सारा मेकअप लगाना, और अनकंफर्ट ज़्यादा फील होता है, मुझे हेडेक वगैरह ये सब प्रॉब्लम होने लगती है, तो इसलिए मैं मेकअप नहीं लगाने वाली हूँ। बट ये थोड़ा बहुत ये जो आई शेडो उन्होंने लगा दिया ना, उससे थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी पूरा गेटअप जब आएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये मेरे कर्ल है, ये यश रेडी हो चुका है, यश को ये वाले शूज़ पहनाएंगे जो कि पता नहीं आरव की ड्रेस से बहुत ज़्यादा मैच हो रहे हैं, तो ये आरव की ड्रेस है, अभी आरव फ्रेश होने गया है, तैयार होगा। ये मेरी ड्रेस है, ये इनकी ड्रेस है, ये मेरा नया बैग मैंने निकाल लिया है, और यशु को मैंने सबसे पहले रेडी कर दिया है, यशु बाहर जाने के लिए तैयार है, और हम इसे तैयार करके ना इसी में रख देते हैं, घर थोड़ा अभी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, हाँ तो हम इसको यहीं पे रख देते हैं ताकि ये कपड़े अपने गंदे ना करे, चले नहीं लेकिन इसको देखना पड़ता है। यशु हैप्पी बर्थडे, क्लैप करो, आज आपका हैप्पी बर्थडे है, आज यशु का हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आपका। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। शूज चाहिए आपको? ये तब ये जब तक खेलेगा तब तक हम रेडी होंगे। सो हम लोग रेडी हो चुके हैं, जा रहे हैं, लाइटिंग अच्छी नहीं है इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। तो मेकअप के लिए मैंने कोई बुकिंग नहीं कराई थी क्योंकि मैं मेकअप नहीं करना चाहती थी, ये मेरा पहले से क्लियर था, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेकअप ना मुझे बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता है, मैं सिंपल में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ ऐसा मुझे लगता है, लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है और गर्मी भी बहुत ही, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन हाँ, मैंने अपने बालों को कर्ल कराने का पहले से ही डिसाइड कर रखा था क्योंकि कर्ल जो है ना वो थोड़े जल्दी हो जाते हैं हेयर स्टाइल बनवाने से, प्लस थोड़ा लुक चेंज हो जाता है तो पार्टी अप्रोप्रिएट लगते हैं, तो बस मैंने ये करा लिया था। और उनको ही मैंने लास्ट मोमेंट पे बोल दिया था कि थोड़ा सा मुझे आईलाइनर लगा दो क्योंकि जल्दी जल्दी में आईलाइनर प्रॉपर नहीं लगेगा, अगर वो लग जाएगा ना तो मेरी आंखें जो है वो थोड़ी इन्हेंस हो जाएंगी तो बाकी सब कुछ सही लगेगा। तो बस मैंने आईलाइनर उनसे लगवा लिया था, और ये हेयर क्लिप मैं खुद खरीद के लाई थी तो वो भी मैंने लगा ली है। तो मेकअप में मैंने कोई फाउंडेशन, कंसीलर, हाइलाइटर ये वो कुछ भी नहीं लगाया था, सिंपल सा बस वही कॉम्पैक्ट लिपस्टिक, ब्लश, मस्कारा, काजल, बस इतना लगा लिया था। और ज्वेलरी में मैंने अपनी रियल ज्वेलरी पहनी थी जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी, और मुझे अपना ये सिंपल सा लुक काफ़ी अच्छा लग रहा था, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही थी। तो हम लोग रेडी हो गए हैं मेरे कर्ली हेयर्स के साथ में जाने के लिए। हाँ यशु, आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है क्या? आज यशु का हैप्पी बर्थडे है क्या? यशु बदमाशी करने में लगा हुआ, लेकिन टाइम ही नहीं है इसका। है यशु, ये कौन है यशु? कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? चलो अब हम लोग बाद में मिलेंगे, बाय बाय। यशु बाय करेगा? आज यशु ने न्यू कड़े पहने अपने, ये न्यू पहने हैं आज, ये देखो बहुत सुंदर है, बाद में दिखाऊंगी मैं अच्छे से।
अभी तुम लोग लेट हो रहे हैं तो बाद में अभी हम तो अब हम लोग वेन्यू पे आ चुके थे और हमारा हमेशा कंसर्न रहता है कि आरफ को भी इतनी इम्पोर्टेंस मिले, तो हम लोगों ने उसका पहले थोड़ा सा नीचे ही फोटोशूट कराया, देन फिर हम ऊपर पार्टी में गए और मैंने वीडियोग्राफर फोटोग्राफर सब कुछ अरेंज कर रखा था सो दैट कि मैं और मेरे जो भी गेस्ट आए वो फुली रिलैक्स करें, पार्टी को अच्छे से इंजॉय करें, तो बस वही था मेरा फोकस। इसलिए मैंने खुद से कुछ भी ऐसा वीडियोज़ या फोटोज़ वगैरह नहीं ली, कुछ क्लिप्स मेरी मम्मी ने बना ली थी तो वही सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये यश के लिए मैंने माइलस्टोन बोर्ड बनवाया था, आप इसको ध्यान से पॉज करके पढ़ना और आपको इसमें सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे पूरा यकीन है कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा लगेगा। मैंने इसमें भी काफ़ी थॉट्स देके माइलस्टोन बोर्ड उसका बनवाया था। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने ये पूरा असेंबल कर दिया था, जो भी रिटर्न गिफ्ट्स थे, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था, पैकिंग जो थी ना काफ़ी कलरफुल थी तो अच्छी लग रही थी। एक्चुअली मेरा ये पूरा डेकोरेशन वगैरह जो भी था ना, इसकी थीम जो मैंने रखी थी वो थी कैंडी शॉप थीम। इस पर मैंने काफ़ी थॉट काफ़ी रिसर्च की कि कौन सा थीम रखा जाए जो कि कॉमन भी ना हो बट बहुत सुंदर भी हो, तो कलरफुल थीम मुझे जनरली पसंद आती है, तो ये नचिकेत कैंडी शॉप थीम मुझे सबसे अच्छी लगी, बहुत अच्छा डेकोरेशन किया था। और मैंने आरएफ के बर्थडे पे भी ना जंगल थीम रखी थी तो वो भी काफ़ी कलरफुल थी, उसकी डेकोरेशन काफ़ी अलग थी। तब मेरा चैनल नहीं था इसलिए मैंने वीडियोस वगैरह ऐसे शेयर नहीं किए, बट आप देख सकते हो कि बहुत सुंदर डेकोरेशन हुई थी और बहुत अच्छा वेन्यू लग रहा था। मैं प्रॉपर पूरा वीडियो जो वीडियोग्राफर भैया जब देंगे ना तो ज़रूर शेयर करूंगी। ये तो मैंने जैसा कि आपको बताया मेरे पास जो भी क्लिप्स और फोटोज़ हैं उनको अरेंज करके जस्ट आपको एक ग्लिम्स दे रही हूँ। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि डेकोरेशन और पूरा मेरा जो भी प्रेपरेशन थी वो कैसी लगी आप लोगों को। और काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैं थोड़ा बजट और एक्सपेंसेस भी डिस्कस करूं, तो अगर आपको भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना लूं जिसमें एक डिटेल में आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें डिस्कस कर लूंगी, थोड़ा एक ओवरव्यू दे दूंगी कि अगर आप इस टाइप की पार्टी अरेंज करना चाहते हो तो आपका कितना बजट होना चाहिए, एक रफली आइडिया आपको मिल जाएगा। एग्जैक्ट तो नहीं समझ में आएगा बट रफली आइडिया मिल जाएगा। कमेंट में बताना तो मैं जल्दी ही एक दो दिन में वीडियो जो है शेयर कर दूंगी। बाय द वे ये सुंदर सा कैंडी थीम बेस्ड केक है हमारा, बहुत टेस्टी और बहुत सुंदर केक था। तो बच्चों का फोटो शूट करना भी एक बहुत बड़ा टास्क रहता है क्योंकि वो पूरे टाइम हिलते रहते हैं, कुछ सुनते नहीं है, तो हमने बहुत मेहनत मैंने की उसको अलग अलग तरीके से उसको बैठाने की, उसको इंगेज करने की, तब जाके उसकी कुछ फ़ोटोज़ आ गई हैं, तो वो सब कुछ मैं आपको दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी जिसमें जो भैया वीडियो देंगे फ़ोटोज़ देंगे वो सब कुछ उसमें डालूंगी, तो उसका आप वेट करना, बहुत ही सुंदर सा प्रेजेंटेबल वीडियो बन करके आएगा। और उसके अलावा ना हम लोगों ने बहुत सारे गेम्स भी प्लान किए थे, तो वो सब भी हमने खेला, उन सब के वीडियोज़ ऑफकोर्स नहीं क्योंकि मम्मी पापा यश को संभाल रहे थे, हम लोग सारा होस्टिंग कर रहे थे और फिर हमारे फ्रेंड्स जो आए थे हम चाहते थे वो भी पार्टी में इन्वॉल्व हो, पार्टी को इन्जॉय करें, क्योंकि हम लोग अक्सर क्या करते हैं ना, हमेशा वीडियोज़ और फोटोज़ के चक्कर में हमारा दिमाग थोड़ा डाइवर्टेड रहता है, तो मैं चाहती थी कि यश का बर्थडे इतने अच्छे से हो कि हर कोई उसका बर्थडे इन्जॉय करे, तो बस इसीलिए मैंने किसी को भी फोटो वीडियो बनाने के लिए नहीं कहा। हालांकि मेरे फ्रेंड्स बाद में मुझे बोल भी रहे थे कि अगर हमको बोल दिया होता तो हम बना देते तो तुम्हारे वीडियो व्लॉग में आ जाता, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा ही चाहिए था। कोई बात नहीं, आपको ग्लिम्स मैं दे ही दे रही हूँ, बाकी डिटेल वीडियो के लिए मैंने भैया को हायर किया ही था तो वो आ जाएगा, तो थोड़ा पेशेंस के साथ में आपको दिख जाएगा, बट हम लोगों ने बहुत मज़े किए, बहुत इन्जॉय किया और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतनी मेहनत करके मैंने ना पूरा महीना लगा दिया था पार्टी अरेंज करने में, तो उसके बाद बहुत मज़ा आया। और ये हमारे यहाँ पर कुछ डांस वांस हम लोगों ने प्लान किया था, मेरे हस्बैंड ने प्लान किया था तो मैंने भी थोड़ा साथ निभा दिया, बहुत अच्छा लगा।
द नेक्स्ट डे। तो दोस्तों ये है, सारे गिफ्ट्स आ चुके हैं और गिफ्ट खोलने वाला बंदा यहाँ बैठेगा। बैठो, जो गिफ्ट खोलेगा वो यहाँ बैठेगा। तो ये है वो गिफ्ट खोलने वाले भैया, आर यू रेडी? ये गिफ्ट खोलने के लिए एक्साइटेड है एंड आउट ऑफ एक्साइटमेंट एक इन्होंने लाते लाते में ये एक गिफ्ट खोल भी लिया है, जो कि बड़ा ही अच्छा है। तो अब हम लोग बाकी खोलेंगे फिर बाद में। हाँ, कुछ नहीं, चलो फिर ये गिफ्ट खोल करके बाद में हम लोग आपको बताएंगे और बाद में मिलेंगे, खेलेंगे, सब करेंगे जो करना है। चल ठीक है, हाँ नेक्स्ट वीडियो में। यस, ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि कल हम एंड नहीं कर पाए थे, आने के बाद हम सो गए थे, रात में 1 बज गया था इसलिए। तो हाँ, तो बस ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। बर्थडे व्लॉग, बर्थडे वीडियो, सब कुछ आपको अलग से देखने को मिलेगा। और शोर से समझ में आ रहा होगा कि ये गिफ्ट खोलने के लिए एक्साइटमेंट कितनी ज़्यादा है। चलो मिलेंगे बाद में, बाय बाय। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। हाँ हाँ, इसमें कचरा रखना ना, जो खोलेगा वो डालेगा ना कचरा। बिजी रहोगे तुम ये करने में? अरे बाप रे बाप रे, गिफ्ट खोलने में थक जाएंगे ये। ठीक है, एक काम करो, मैं गिफ्ट खोल लेती हूँ, आप इसमें रख देना, थकना नहीं। चलो बैठो, चलो मैं करती हूँ हेल्प, मैं कर दूंगी, चलो मैं कर दूंगी, चलो बैठो।